बच्चों आज हम आपको पाठ नंबर 3 अस्माकं पर्वाणि का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करवाएंगे। पाठ नंबर 3 अस्माकं पर्वाणि। सबसे पहले इसके शब्दार्थ लिखे जाएंगे और उस प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 एक पदेन उत्तरत, इसका एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है दीपावली कस्य पर्व अस्ति, दीपावली कस्य पर्व अस्ति, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दीपावली कस्य हटा दीजिए, उसकी जगह लिखिए प्रकाशस्य महापर्व अस्ति, दीपावली प्रकाशस्य महापर्व अस्ति। प्रश्न नंबर 2 कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति, कार्तिक मास की पूर्णिमा को किसकी जयंती होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य हटा दीजिए, उसकी जगह लिखिए गुरु नानकस्य जयंती भवति, कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ गुरु नानकस्य जयंती भवति। प्रश्न नंबर 3 सिख महानुभावः समागतेभ्य जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति, सिख लोगों में जब सब एकत्रित होते हैं तो प्रसाद के रूप में किस चीज का वितरण होता है, तो इसका उत्तर होगा सिख महानुभावः समागतेभ्य जनेभ्यः प्रसाद रूपेण संयावम वितरंती, संयावम मतलब हलवा, आटे का हलवा, वितरंती बांटा जाता है। अगला प्रश्न है ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व किम अस्ति, ईसाई लोगों का सुंदर और प्रमुख पर्व कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्वम क्रिसमस नामकम अस्ति, कौन सा है इनका प्रमुख त्योहार क्रिसमस, ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। अगला प्रश्न है मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है, तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों मुस्लिम समाजस्य ईद उल फितर पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का ईद उल फितर पर्व है, त्योहार है। बच्चों अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है रामः अयोध्यां कदा प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या से कब लौटे, तो इसका उत्तर होगा रामः अयोध्यां चतुर्दश वर्षम इतम वनवासम परिसमाप्य प्रत्यागच्छत, रामः अयोध्यां चतुर्दश वर्षम इतम वनवासः परिसमाप्य प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे थे। अगला प्रश्न है गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा बच्चों गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति, गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। अगला प्रश्न है जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु किं कुर्वन्ति, लोग गिरिजाघर इस मंदिर में क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु किं हटाकर प्रार्थनां कुर्वन्ति, जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां
कुर्वन्ती। अगला प्रश्न है बच्चों, रमजान मासे मुस्लिम जना किम कुर्वन्ती, रमजान महीने में मुस्लिम लोग क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, रमजान मासे मुस्लिम जना किम हटा दीजिए, एक मासा दिवा उपवसंती। क्या करते हैं? रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासा दिवा उपवसंती, कि वो लोग एक महीना व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं। बच्चों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करवाएंगे।